के साथ। प्रधानमंत्री की 25 अक्टूबर को संभावित जनसभा के मद्देनजर मेहंदीगंज में सभा स्थल पर कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में विपक्ष के लोग इसमें मीन मेख निकालना शुरू कर दिए हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अजय राय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अनाज की बाली फूट रही फसलों को काटकर वहां राजनीतिक रैली करना एक शर्मनाक नैतिक अपराध है। इस पर जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा कि रिंग रोड कार्यक्रम स्थल पर जो भूमि ली गई है उन किसानों को फसल मूल्य 1940 रुपए MSP और उत्पादकता के आधार पर दिया जा रहा है। लगभग 7 लाख फसल मूल्य के चेक दिए जा रहे हैं। फसल भी काट कर उनको दे दी गई थी। इसकी गणना कल हो गई थी और आज NHAI इनको चेक दे रही है। कुल 30 गाटा लिए गए हैं जिसका रकबा भूमिधारी का 8.745 हेक्टेयर है। कि जो कार्यक्रम कराया जा रहा है वो बाकायदा उसका फसल मूल्य देकर और उसके फसल मूल्य को देते हुए फसलों को खरीद के तब कराया जा रहा है। जो लैंड पे छाटा गया है वो पूरे लैंड में इस जगह छाटा गया है जहाँ पे ऑलरेडी 1-2 खेत कटने शुरू हो गए थे। जनपद वाराणसी में धान खरीद 1 तारीख से शुरू होती है और 1 नवंबर से केवल 12 दिन पूर्व ये फसल खरीदी गई है। अधिकतर इसमें राइब्ड और सेमी राइब्ड फसल है और जो मुआवजा है जो फसल का धनराशि का मूल्य पे किया गया है वो भी 1940 रुपये जो हमारा MSP धान का सरकारी क्रय दर होती है उसके हिसाब से और जो प्रोडक्टिविटी 40.5 क्विंटल पर हेक्टेयर की होती है उस प्रोडक्टिविटी से गणना करते हुए सभी भूस्वामियों को धनराशि पे की गई है। किसी की भी भूमि असहमति से नहीं ली गई है। ये सारे लोग हैं उनकी सारी सहमति के बाद ही ये सारी कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस रिंग रोड का उद्घाटन हो रहा है वो 430 करोड़ रुपए के मूल्य से बनी है लेकिन भूमि का मुआवजा जो इस पे दिया गया है वो लगभग 570 करोड़ रुपए पे किया गया है। वो भी किसानों को ही पे किया गया है। किसानों को जितना मुआवजा इस रिंग रोड की वजह से मिला है उससे कम ही उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इन्हीं किसानों की ही सर्कल रेट आगे बढ़ेगी, इनकी लैंड का एप्रिसिएशन होगा, इनको फ़ायदा होगा और जो भी आसपास के किसान हैं उनके लिए ये रिंग रोड एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो पूरी सहमति के साथ ये ज़मीन ली गई है। जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं कि किसानों की फसल जबरदस्ती नष्ट की गई है वो पूरी तरह अफवाह है और ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। सच के साथ।